ये व्लॉगर कहीं भी गिर सकता है। दोनों गिर गए। भाई ट्रॉली फंस गई यार, ये तो अटक गई, ट्रॉली पीछे भी अटकी हुई है। हेलो रेस्क्यू। पर प्रीति दी गिर भी सकता है, जिस हिसाब से उसको बर्फ है ना, गिर भी सकता है। गिर गया तो मेरा क्या, यही सोच रहे हो ना? नहीं कुछ नहीं सोच रही। भाई अभी तो ऊपर जाके मजा आएगा, और अभी हम जा रहे हैं LOC देखने, पाकिस्तान जा रहे हैं। ओ भाई मजा आ रहा है यार, भैया थैंक यू यार, आपने तो मजे दिला दिए मेरे को। तो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। तो हम लोग बिल्कुल रेडी हैं, हमें निकलना है गुड मॉर्निंग के लिए। हम बिल्कुल रेडी हैं, अभी नहीं पहन सकते वुलन कपड़े, कपड़े पहन सकते ज़्यादा नहीं पहन सकते वहाँ के उधर के हिसाब से। तो हाय गाइज, तो बस ये बैग भी पैक कर लिया, तो सबके जैकेट्स हैं वहाँ जाके पहनेंगे, बस अब हम निकल रहे हैं बाय। तो हमने दिया था जीजू को 7 बजे का टाइम कि 7 बजे एग्जैक्ट निकल जाएंगे हम सब, 7:05 से तैयार है, 7:36 हो गए हैं अभी तक, तो मुझे दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही। जीजू और टाइम से आ जाए ऐसा तो हो ही सकता है। आपको भी दिखा देती हूँ, कोई आपको लग रहा हो झूठ बोल रही है। देखो तो भाई हद हो गई, बाहर खड़े खड़े हमारा ऐसा तैसा हो गया, ऐसी तैसी होती है जो होनी थी हमारी हो गई। अब हमारी हद हो गई, हम गाड़ी में और नहीं बैठ सकते, तो अब हमने लोकेशन डाल ली है। और हम गलती होगी सिया जी, आगे से मैं आपके कोई चॉकलेट नहीं खाऊंगी। तो बस अब हम जा रहे हैं अकेले ही, हमने लोकेशन डाल ली, हमने उनको बोला जब आना हो तसल्ली से आना, वी कांट वेट एनीमोर। तो बस हम आ गए हैं वे टू गुलमर्ग वाले रोड पे, और आपको दूर से अगर मैं सुन कर दिखा रही हूँ, आपको दिख रहा होगा वो एक बड़ा पहाड़ है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। श्रीनगर से कंपैरेटिवली इस वे पे ठंडी ठंडी हवाएं तो शुरू हो गई, शायद बर्फ की वजह से, और जिसने बोला है यहाँ पे टिकट्स भी हो गए हैं, गंडोला राइड पहले फेस बन के ले जाते हैं, बट आप किस्मत लगाओ जो मर्जी लगाओ, हम लोगों को दो दो वे की टिकट मिल गई है, तो दोनों सोचते जाएंगे बहुत ज़्यादा बर्फ मिलेगी, आप भी हमारे साथ इंजॉय करो। अगर आपको लगता है कि आपको अगर बर्फ भी है, तो जब तक आप मेरा व्लॉग देख रहे हो तब तक अपने फिर से एक एक आइस क्यूब लेके अपने हाथ में बैठो। स्टंट मारने की जरूरत नहीं है, जितनी हिम्मत होती है ना बंदे में उतना ही करना चाहिए। यहाँ से मार रहे हैं बताओ। इस बार मोटर ही लगवा दे रहे इनके, पंप पंप हटाओ। तो पहुंच गए हैं हम गुलमर्ग, यहाँ से होएगी हमारी अभी गंडोला राइड 10 बजे, और ये हमेशा की तरह अब आए हैं। ये अब टिकट साढ़े क्या था हमारे आगे सिक्योरिटी दे कोल, हम आगे थार की सिक्योरिटी लेके चलते हैं। तुम ही थे आगे हमारे घटिया हो है, और ये हमने लगाई है लाइन पे 10 LUs। दीदी ये वॉशरूम है, घर नहीं है, कान लगा गेट में, इमेजिन। और देखो आप पीछे दूर पहाड़ों के पीछे कितना पॉल्यूशन है, काला काला धुआं निकल बादल है, कर दी फ्लश, दीदी खुश कर दी फ्लश, कर दी, आने वाला है, आने वाला है, आ रहे आ रहे। जीजू फ्रूट सैलेड खा लो, वो रहा, जाओ जीजू फ्रूट सैलेड, जाओ जीजू चाय आ गई यार, आ जाओ फटाफट, आप फ्रूट खाओ, आप कमजोर लग रहे हो आज। अरे नॉक तो कर दो यार, वो मेरी है, हम लोगों की गंडोला राइड की टिकट्स आ चुकी हैं, बस उसी का ही वेट हो रहा था इतनी देर से, तो तब तक हम लोग चाय एंजॉय कर रहे हैं अपनी, तो बस उसके बाद चलेंगे बर्फ में, और 2 पीस की टिकट्स हमारे पास हैं ऑलरेडी। ने पर्वत उठाया था, हनुमान जी ने उठाया था पर्वत, और हमारी सीरत भी कम नहीं है। ओ भाई उठा दो नहीं उतरा, कोशिश करो जोर लगा के, आहा इसको बोलो उठ। ओ भैया भी हंस रहे हैं साइड में, भैया हंस रहे हैं, उठा नहीं उतरा, बोलो उठ जा बेबी, उठ जा बेबी, या भैया को दिखा लो भैया, ओके भैया, ओ भैया ये उधर ले जाओ, वहां पे खड़े हो गए, देखो भैया मदद करो बच्चे की,
यहाँ से हो रही है हमारी गंडोला राइड की एंट्री। बाकी आपको राइड दिखाएंगे कैसी है कैसी नहीं है। बहुत जबरदस्त है। तो ये है हमारी फर्स्ट राइड के लिए क्यू। इसमें लाइन लगनी है। चल यस AK-47 चल 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 चल। तो जीजू ने हमें लगवा दिया लाइन में जबकि हमारी VIP एंट्री थी। क्या जीजू यार आप हमें लाइन से आना ही नहीं। चलो बाय 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 ओके इधर हाँ जल्दी आओ गंडोला वो गए। ओ माय गॉड हमारी हालत खराब हो रही है। अरनीत की तो और भाई आप दोनों बेटा और पापा अपनी जो फ्रेंचाइजी है ना 40 वाली उसको संभालना। यहाँ कोई सिस्टम नहीं है ठीक है। अभी जा रहे हैं सीधा हम बर्फ में कैसे खेलेंगे। ये पहनाना इसको शूज उसको उतार दो ना ट्रॉली में नीचे उतारो उसको एंजॉय करने दो उसको। आती कैसी एकदम। तो अब हम जा रहे हैं फेज 2 में डायरेक्ट क्योंकि वहाँ पे ज्यादा बर्फ और हमारा तो रिश्ता ही है फेज 2 से। हम रहते भी अशोक फेज 2 में। तो हम जा रहे हैं बहुत मजा आ रहा है। और हमने अपनी क्या बोलते हैं यार कायम रखते हैं क्या रखते हैं वो जो भी कायम रखते हैं हमने रख ली। गाड़ी भी हमारे आगे उनकी जाती है फिर VIP जाता है ट्रॉली भी आगे जा रही है फिर भी आगे जा रही है। गलत बात करती है वैसे इतनी मत है कि तेरा जीजा हमारा भाई भी है। कुछ तो आप इतने हो रहे हैं जैसे आपको बहुत मजा आ रहा है यार फन की बात अलग है। तो झूले में तो बैठी है 1600 रुपए थे उसको बिठाती हूँ। ये देखो ये सारी कंटिन्यू भाई ट्रॉली फंस गई यार ये तो अटक गई सारी ट्रॉली फंस गई वो देख पीछे भी अटकी हुई है सारी। हेलो रेस्क्यू रेस्क्यू कितने तुमने यार तुमने वो नहीं पढ़ा था डूज एंड डोंट्स। ओए भाई वो पढ़ के आना चाहिए यार हम तो है भी इतने ऊपर डोंट पैनिक। तो यहां वहां में कोई आएगा कैसे हम तो है भी इतने ऊपर नीचे कैसे जाएंगे। भाई फंस गए बस भैया आप भी नजारे देख लो ये सेब के पेड़ नहीं है चल गई ये देख रही थी सेब के पेड़ है। कैसे उल्लू उड़ाती हुए एक चीज बताऊंगा ऊपर जाके यार नहीं नहीं यहाँ से नहीं यहाँ से यहाँ से प्रिया 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 हेलो आईफोन है बाहर नहीं जाता ये उड़ जाता है। नहीं नहीं एक मिनट यहाँ से ले इधर से ऐसे करके बाहर उधर का ओए रहने दे यार ऐसे ले लेना ऐसे ही है नहीं हम अंदर करो पेड़ पूरा आ गया ना हाथ ही चला जाएगा तो अंदर की तरफ घुमाओ देखो और वो जो सामने बर्फ दिख रही है बर्फ वो वाला व्यू लियो नीचे देख लो वो जो बर्फ है उधर ही हमने जाना। अरे चलो तुम सबकी बात मान के अपना फोन बेच दूं मैं मतलब फेंक दूं। ओहो ये रेड कलर में आना था अभी तो चल तो सही तो देर को यहाँ भी बर्फ मिलेगी फेस शो से पहले यार वैसे ये भी जम जाते होंगे बिल्कुल है ना वैसे सर्दी का मौसम गंडोला राइड बंद हो जाती है सर्दियों में। तो भाई जीजू बता रहे थे कि ये एशिया की लार्जेस्ट है लार्जेस्ट और अभी तक हम भी बैठे हैं अब तो सच्ची में ही बहुत लंबी है। तू पहली बार बैठी है गंडोला ना पिछली बार नहीं गई थी तो कैसा लग रहा है। 3 बार बैठ चुका हूँ दो बार आपको कैसा लग रहा है। नेटवर्क ही नहीं आ रहा ओ भाई हम आ गए हैं फेज 1 में जब यही इतना खूबसूरत है तो 2 तो कितना खूबसूरत होगा। तो हमें यहाँ उतरना ही नहीं है अपन उतरेंगे फेज 2 में सामने है बर्फ वाला फेज 2 अब फिर से वाला सीन होएगा जो पहले मेट्रो स्टेशन लाजपत नगर ओए 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 ये क्यों उतर गए ये 2 ही है क्या नहीं उतर रहा है 2 पे चेंज होती है भाई यहाँ पे ओपन ट्रॉली अगर मुझे नहीं जाने दिया यहाँ दिक्कत हो जाएगी हो जाएगा यहाँ कलेश हो जाएगा। ये जैकेट में स्मार्ट बंदा जो है ना वो जाएगा जैकेट अपने साइज की तो मैंने छोटी लग रही है
उत्तर इसको कहते हैं शॉर्ट जैकेट, शॉर्ट वन में ही है और सबकी जैकेटें निकल आई है बाहर। चलो फेस टू में जा रहे हैं अब। आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, देखो हम लोग यहाँ से उतरे थे और जो बाकी नॉर्मल लोग हैं तो वो यहाँ से जा रहे हैं पूरी लाइन के अंदर, और हम लोग वहाँ से आए हैं, उस जगह से आए हैं VIP ट्रीटमेंट। तो जीजू की बदौलत, जीजू थैंक यू, तो जीजू की बदौलत यहाँ से आ रहे हैं जीजू 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 जीजू। तो ये जा रही है फेस टू की ट्रॉली, और पहले हम आया हूँ काली ट्रॉली में, अब हम जाऊँगा लाल ट्रॉली में। हरी थी फैमिली कलर ट्रॉली में आया था हम, अब हम लाल में जाऊँगा। अच्छा सेकंड फेस के लिए लाइन पे नीचे से कौन से लोग आ रहे हैं? मेरे को लगा ये और भी VIP है। तुम यहाँ से आ गए हो VIP तो कुछ मेरे साथ रहोगे ना? जा रहे जब जाएंगे तब दिखा देंगे ना क्या करना है लोगों ने। कुछ नहीं करना, हमें देखेंगे, मजे करेंगे, एंजॉय करेंगे। चलो भाई, अरे इसमें चार चार जा रहे हैं मेरे ख्याल। शिल मंगवाइए अपने लगेज में जाने के लिए, कौन बैठना चाहेगा? ये दो जो दो सहेलियां हैं ना वाली, लगेज में ओए रील बड़ी अच्छी बनेगी इस पे जाओ। प्रीति घर में डांस करेगी। हां चल चाहिए चाहिए हैं, यहां तो एक बंदा भी देख भाई। अब सेकंड फेज पे हम जा रहे हैं और वो देखो ऊपर जाना है क्या, अरे वो जाना ऊपर, हमें रुकना कहाँ है? वो टी पॉइंट ऊपर देख भाई। अंकित मैं तो तुम्हें बैन नहीं बोल सकती। ओ भाई देख मामी इतनी ऊपर से कि दो वाली मेरे को बोले नीली बर्फ है नीली बर्फ। मजा आ गया इसमें। प्रीति दी कोई भी नहीं आ रहा, देखो ना उधर से सारी खाली है। क्यों नहीं आ रहा कोई? इतनी ठंड लगेगी, ठंड में कौन आएगा यार? तुम्हारा प्रीति दी गिर भी सकता है जिस हिसाब से सुबह गिर भी सकता है। गिर गया तो मेरा यही सोच रहे हो ना? नहीं कुछ नहीं सोच रहे। फिर वो लेके हमें होटल छोड़ेगा तिड़कती हुई। वाह यार कितना पॉल्यूशन है पहाड़ों पे, कितने काले आइस का व्यू देखो। आइस भाई नीचे का व्यू देख रहे हो? इसको कहते हैं व्हाइट ब्यूटी। नीचे का व्यू सही है, ब्लैक नहीं है भाई। सॉरी गाइस शीशा, हां इस वाले शीशे की वजह से ब्लैक दिख रही है, ऊपर वाले शीशे में देखो व्हाइट दिख रही है। व्हाइट है नहीं भाई। ओ जीजू अगर हम यहां उतरे फिर तो गए, क्योंकि हद से ज्यादा बर्फ है यार। तो बहुत ही ऊपर नीली बर्फ पे हो, तो उसके ऊपर भी जा रहे हो? ओ माय गॉड, ऊपर स्टेशन बना हुआ है ऐसे उतरेंगे? स्टेशन नहीं है उतरोगे थोड़ी देर? कहीं नहीं आया था क्या? पागल हो क्या? सॉरी सबके सामने बोल रही थी, यार प्रीति दी के साथ ऐसा ही होता है, किसी को सुधारने जाती है। उतरेगी वापस चली जाएगी, उतरूंगी वो खींच के उतारेगा। मैं बोलूंगी कहां है इसका स्टॉप है भाई? पहले मेरे को एक बात बता, यहाँ पे कोई फ्लैट सर्फेस है? भाई साहब तो सही यार, यार मैं करूंगा ऊपर। पहले बादल, पहले बादल नीचे थे, अब हम बादलों के ऊपर हैं। अंकित मैं यहाँ से करूंगा ऊपर से आइस स्केटिंग, नीचे जाऊंगा स्लिप मारता हूँ। पैरी ने ये बात सही बोली भाई साहब, आप स्लिप मारते हुए जाएंगे ना, दो पैरों के बीच में पत्थर आ गया। ये पैरों के निशान किसके? एलियन स्केटिंग करते नहीं है, स्नो लेपर्ड मिल सकता है। हाँ तो ये हो सकता है उसी के पैर होंगे। पर जीजू सीरियसली जोक सपाट, अब कहाँ रुकेगी? देखो ना पापा अगर गिरे यहाँ से तो कहाँ? एक बार पीछे का व्यू देखो, सीधा दिल्ली बेटा। बेटा गिरे ना यहाँ से तो पता नहीं कहाँ फर्स्ट फेज में, क्योंकि बंदा तुम्हारे पैरों में तो जाएगा नहीं। हम यहाँ से आ रहे हैं, हमारा स्टेशन आ गया है, और ऊपर देखो लोग कहते खड़े हैं, अभी हम भी वही जा रहे हैं, और ऐसे उठा उठा के बर्फ मारेंगे एक दूसरे को। शीरत आयश आयश ये देखो चलना इतना औखा हुआ पड़े, बर्फ पे पैर भी चल रहे हैं, सब पकड़ पकड़ के चल रहे हैं वो देखो। आराम से पैर ही हाथ पकड़ मम्मी का। बच्चा हमारा
कहाँ है फुहार? वो सीरत को मैंने भैया को पकड़ा दिया। ओ सीरत बर्फ एंजॉय कर रही है। ओ काका सुनो, ओ भाई साहब सहारे से चल रहे हैं, सहारे से। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ किसपे जाने? अभी आपको इसमें जाना है पहले। इसपे यहाँ से रो आप खड़ा पीछे। इसपे कैसे जाओगी? दीदी ले लो ना, मजा देखो ना यार। मैं यार बच्चा कैसे गिरेगा, बच्चा कैसे चले? तो भाई इस पे जाना है सबने। सुमिता दीदी रिक्वेस्ट कर रही है नहीं जाना। ओ भाई, ओ भाई, मीता दी अकेले कैसे रहोगे? सब जा रहे हैं और पौने घंटे बाद आएंगे नीचे। भैया भैया भैया, बच्चा आपके पास? मेरा हाँ, मम्मा पास आने आ जाओ। देखो भाई सीरत क्या कर रही है, फेंको। थैंक यू है यार। ओ भाई अभी तो ऊपर जाके मजा आएगा और अभी हम जा रहे हैं एलओसी देखने, पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान वाला बॉर्डर देखने जा रहे हैं भाई, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर देखने। अरे अरसालन जी आ रही हूँ पाकिस्तान। अरसालन जी देख लो, आपसे मिलने आ रहे हैं पाकिस्तान बॉर्डर पे, जल्दी आ जाओ। पाकिस्तान बॉर्डर पे बैठ के चाय पियेंगे अभी, यहीं पे वहाँ बैठ के चाय पियेंगे और पाकिस्तान वालों को भी प्यार देंगे, प्यार देंगे सही बात है। अल्टीमेट यहाँ से खड़ा लेके जाओ। ओ ओ कितनी मैडम, वो कितने बंदे लेने आ गए मैडम को। मीता 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 क्या करूँ, ये बोल रहे मीता भैया। हेलो हेलो भैया, मीता बोलो, मीता 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 मीता। मैं चल रहा मीता, मैं कह रहा हूँ अच्छा वो अमन भैया नहीं थे यहाँ पे, मारना शुरू कर देते। मीता भाभी बैठ गई है, मीता मीता मीता। ओ भाई चार चार बंदे धक्का दे रहे हैं, इसलिए है कि बंदे लेके जाएगा। चार बंदे धक्का दे रहे हैं, तीरथ तीरथ मजा आएगा। उसकी टोपी ऊपर कर दे, पकड़ के रखनी है किडनी, किडनी पकड़ना, किडनी किडनी। भाई और तो मजा है यार, मजा आखिरी कर रहा है ये भाई हमारा, बहुत अच्छा है यार, इसने बहुत अच्छा हमको करा। थैंक यू भैया यार साथ रहने के लिए। तो ये भैया स्पेशल हमारे अरेंजमेंट के लिए आए हैं नीचे से, बहुत अच्छा अरेंजमेंट करा है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भैया के साथ यार। ओ भाई मजा आ रहा है यार, भैया थैंक यू यार, आपने तो मजे दिला दिए मेरे को। भैया कुछ कह रहे हैं? और देख लो भाई बर्फ ही बर्फ है यार, क्या बताऊं, ये देखो मैं किस पे खड़ा हूं। औसम फन है, औसम फन, नज़ारे लो नज़ारे, मैनू जिंदगी के नज़ारे लैन दो भैया। अपने पैसे चल रही है अभी, मोबाइल पकड़ के। थैंक यू भैया सो मच, आप यहाँ तक लेकर आए मेरे को, वापसी आपके साथ ही जाऊँगा मैं। वापसी आपको ये इस पे लेके जाएंगे, इस पे लेके जाएंगे तो वापसी हम इस पे जाएंगे। इस पे क्या मजा आता है और ज्यादा? अच्छा इस पे मतलब नीचे धक्का दे दूंगा। किस पे? इस पे नहीं, ये यहाँ से जाएगा। अच्छा डिलान पे चलेगा ना ये, मतलब नीचे आराम से। तो ठीक है भैया थैंक यू, मिलते हैं दोबारा। ओ भाई स्नोफॉल, स्नोफॉल मजा आ गया, स्नोफॉल आपके साथ है। तीरथ को किसी की गोदी नहीं चाहिए, जब उसको गोदी लो तो वो रोने लगती है, उसको अपने आप जाना है, पैदल जाना है। ये व्लॉगर कहीं भी गिर सकता है। दोनों गिर गए, ये सारे गिरे हुए हैं भाई, ये सारे ऐसे ही है। ओ भाई अंकित मुझे लग रहा है सीरत तुम्हें संभाल लेगी, तुम उसको नहीं संभाल सकते। चलो आखिर ऊपर सीरत खड़े हो,
अंकित को ठंड लग रही है, अंकित कांप रही है वो। उनके साइड में क्या तेरा सिर का ताज है भैया। अभी आए हुए मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट हुए होंगे हमें, सांस चढ़नी चालू हो गई है। नो बॉल। भाई साहब जहाँ तक नजर जा रही है वहां तक बर्फ की चादर चादर, ये बादल कितने हसीन बादल है यार, जहाँ तक जा रहे हैं वहां तक है। मैं उठा लेता यार। ओए ये क्या कर रहे हो, पता नहीं कहाँ क्या करते हैं। तुमने प्रोफेशनल फोटो खिंचवानी है क्या? नहीं बंदे अनप्रोफेशनल हैं। आजा चलो चलो टूट गया। ओ भाई क्या गिरी है भाई साहब। भाई वो लग रही है, वो लग रही है। ये लड़की कैप भी नहीं पहन रही, पैरी मत कर दे कि इसको लगे, इसको नहीं लगे बेटा। पैर में शूज चली गई कह रही है। जरूरी है तुम्हें कुत्ता बन के ना आ जाए। कैसा लग रहा है भैया? भैया सानु जिंदगी दे नजारे ले लेण दे। आ गया होता दोस्तों मेरा बंद हो गया, मेरा सब हो गया दोस्तों, मेरे से मेरे में नहीं है वो ताकत। अंकित पीछे मेरी बैंड बज गई नीचे बैठ के, गरम 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 हाथ फिराओ। बड़ी ठंडी होगी अब तुम आराम से उतर लो। जूते में भी घुस गया ये तो। ऐसे लोगों को ना बैन कर दो, इतनी सफेद बर्फ है यहाँ आके ये कैसे छोड़ते हैं। अच्छा है, अच्छा है ये। यहाँ पे मारने पे वो प्रदूषण जो है मुक्त हो जाता है। सैयद के पास मैं दिला दूंगी तेरे को हाफ, यार टेंशन ना ले। हो गया बर्फ, राम तेरी गंगा मैली हो गई। जीजू का पाद सूंघते सूंघते। बेटा ये भैया मामा नहीं है तेरे, ये 5 रुपए की चीज के 50 ले रहे हैं। ठीक है, ओहो स्नोफॉल होगी भैया, आपने देखी है कभी? देखो देखो बड़ी देर से हो रही है। ये राजा बाबू के जूते भैया क्यों निकाल रहे हैं? भैया घर में मैं निकालती हूँ जूते, यहाँ आप निकाल रहे हो इनके, ऐसे नहीं होगा, खुद से करने दो। क्या स्नोफॉल हो रही है मस्त यार, ऊपर देखो, ऊपर नहीं नीचे देखो, एक्चुअली देखो सीधे देखो, ऊपर से बर्फ गिर रही है ये देखो। लेट जा, नीचे गिर जा। ये देखो ये स्नोफॉल है, उल्टा पुल्टा हो जा। ये पागल होगी, स्नोफॉल हो रही है। ये देखो स्नोफॉल हो रही है सीधा, तो ऊपर से बर्फ आ रही है। ये देख कैसे कैसे सामान खरीदने में लगी है, जैसे पथरी क्या ही हो रहा है। वो स्नोफॉल की भी आदमी नमकीन की नमकीन। ये च्युइंगम मैं ये नहीं लेनी बेटा, जब भी तक जाता है यार। बर्फ पे चॉकलेट खाने का स्वाद आ रहा है, मैं जिंदगी में चॉकलेट खाता नहीं। जीजू कितनी तगड़ी स्नोफॉल, देखो देखो देखो। ओ भाई झोली भर की और कुछ नहीं, आज रब भी खुश है हम आए हैं। ये देखो किने स्नोफॉल। प्रिया ये देख क्या करी जा रही है, पता है मुझे। हाय प्रीति, आप देखो गिरा मत देना। नहीं गिरोगे भैया, बहुत ज्यादा वजन है, देखना कहीं पंचर पंचर हो जाए। कौन पंचर होगा, कौन पंचर होगा? ये नहीं है वॉइस करेंगे टायर सर। भैया चल टायर नहीं है, दो तीन बंदे जाना है इनके साथ। दो तीन नहीं, एक ही बंदा का। पक्का? हां पक्का, इनका स्टैमिना बहुत है। अच्छा जी ठीक है, ये देखो पहले आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते होगे। ना ना बेचिया का बाय। तो भाई हम लोग जा रहे हैं नीचे, एंजॉय इतना कर लिया है भाई, मजा आ गया है, कुछ कहने की हद नहीं, बस अब थक गए। 15-20 मिनट बर्फ में खेल लिया भाई। जो ये लोग यहाँ पे 5 की चीज 50 की 100 की दे रहे हैं ना,
बिल्कुल जायज, लेकिन भाई जायज है। इतने ठंडे मौसम में नीचे से चीज ऊपर आ रही है, सब कुछ हो रहा है, हम लोगों ने 900 रुपए की चॉकलेट वगैरह खा ली। अब अगर उनका एक्चुअल रेट देखा जाता तो वो थी खाली 40 से 50 रुपए की है, लेकिन बहुत मुश्किल है। बैठो भैया, तब तक आप यहाँ का नजारा एक बार आखिरी बार देख लो, उसके बाद हम जा रहे नीचे। और पाजी मजा आया? कुफरी में मजा नहीं आया? कुफरी कुछ भी नहीं है यार, जैसे नैनीताल की लेक बच्चा है ना, डल लेके आ गए। मैं भी आऊं, मैं भी बैठ जाऊं? भाई अब हम बैठ गए, मजे आ गए। भैया वेट मेरा 4 किलो है। ये तीरा मजा आ रहा है दादी, बहुत मजे यार। मम्मी आपको हम इतना एंजॉय मिस कर रहे हैं ना, आपके फोन मिला रहे, नंबर मिल नहीं रहे आपके यार। नजारे देखो, नजारे दो क्विंटल क्या लेकर आते हो भाई? ऐसा बंदे जिम करते हैं ना, जिम जाते हो? हाँ, शाम को 8 बजे घर, उसके बाद जिम। ओ भाई साहब, बड़ी मेहनत करते हो यार आप। जिम जाने की जरूरत ही नहीं है भैया, आप इतनी मेहनत यही कर लेते हो। वो अलग ही रहता है। आपके ऐप्स बने होंगे फिर? अभी आप मेरे डोले देखेंगे। हाँ डोले देखेंगे आपके भी। तो भैया भाई जिम भी जाते हैं, ये भी करते हैं, कह रहे मेरे डोले देखना, आप मजा आ जाएगा आपको, आप देखेंगे भैया फिर करेंगे हम ओले ओले ओले। सीरत मजा आ रहा है। दिमाग ऐसा जम गया कि कोई भी शब्द नहीं निकल रहा मेरे मुंह से। मेरा बाबू, मेरा छोटा पुत्र, देखो सब जा रहे हैं ना, एंजॉय कर रहे हैं। ओ भैया डोले दिखाओ, डोले दिखाओ, आपने बोला था। ऐसे नहीं देखते हम, खोल के ये पूरे उतारने। उतारो आप, आपकी वो पगड़ी पगड़ी उतरनी है भैया। इसको यहाँ से धक्का दो, वहाँ तक जाएगी, बड़ा मजा आएगा। बराबर पहुँचेगी कहाँ? पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तानी पहुँचेगी, पहुँचेगी सरंस। सरंस सरंस कहाँ पड़ेगा? सरंस नहीं पहुँचेगी। हाँ हाँ, दरंग पहुँचेगी। दरंग 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 कहाँ पड़ेगा? टंग मरंग, टंग मरंग, हाँ, मुर्गे की टांग पकड़ते हैं फिर मरंग कर देते हैं। ओ भाई के डोले, ओ भाई ये अपने एरिया कहाँ तक है? गजब है। उधर उधर आप भी देखो ना, ये तो इंडिया है। थोड़े बहुत तो भैया मजा आ गया, थोड़े बहुत तो मेरे भी हैं, ये देखना देखना हो जाएंगे तो बात ही नहीं आता है ना। तुम मजाक लेते हो यार, डोले हैं मेरे भी हैं। कश्मीर में सुकून नहीं है, इधर सुकून है। अरे सही बात, खाने का सुकून इधर आता है। हम तो घर से टिफिन लेके आते हैं और बाय वॉक आते हैं इधर तक। कितना कितना दूर से? हम मतलब सुबह 4 बजे निकलते घर से। यहाँ कितने बजे? यहाँ हम 11 बजे पहुँचे। बहुत तेरी 6 घंटे लगते हैं आने में। फिर आप गुलमर्ग का तो गाड़ी में आते, मेहनत पता कितनी करते हैं। वापस कैसे जाते हो? पैदल यहीं से। ये यहाँ पे 8 बजे तक चलाते हैं, उसके बाद जिम भी जाते हैं। हम 5:30 इधर से जाते हैं, उतरने में जल्दी हो जाती है। उतरने में हम बैठते हैं बर्फ के ऊपर, थैले लेके, थैले लेके, थैले लेके आते समय 2.5 घंटे लगते हैं। आपने भी करना था ना थैला, तो इनको 5 मिनट बहुत स्पीड जाती है, मतलब बैठते हैं बर्फ के ऊपर तो सीधा नहीं होते रहे। तो भाई वो अगर अगर पैरों के बीच में कोई पत्थर पुत्थर आ गया फिर? नहीं, पत्थर वत्थर नहीं आता, अभी पत्थर वत्थर निकले नहीं है। अखरोड़ों का क्या हाल होता होगा? गर्म रहता है। अच्छा, कपड़ों में लपेट के लाते हैं, कपड़ों में लपेट के खाना रखते हैं भाई। क्या टिफिन भरा कपड़ों में, ताकि वो गरम। बड़ी मेहनत है यार। हाँ, और खाने का सामान केले ले, मैं तो लाता हूँ अपने। बहुत मेहनत है भाई। जिम का भैया सनस्क्रीन क्यों लगाई हुई है? भैया सनस्क्रीन क्यों लगाई हुई है? काले हो जाएंगे ना, क्यों? उससे क्या होगा? धूप तो निकलती नहीं है यहाँ। आप लोगों को तो छोकरी मिल गया, हमको कौन मिलेगा? ये तो ये यार बहुत बढ़िया यार, मजेदार बंदे है यार। आपको बोलेगी बर्फ पे झूला झूला। भाई मैंने तुम्हारे बात नहीं करनी है, हमारी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इसको फेंकना पाकिस्तान, इनको हाँ तभी तो मैं यहाँ से कश्मीर लेके जाऊंगा। जाएंगे सर जी, ये बोल रहे थे हम जाएंगे। ये पलट गई, मैं तो तैयार हूँ, फेंको इसको पाकिस्तान। भैया ये 11 मेरे को अपने पास रखेंगे।
देखो फेंकोगे मुझे, फेंकोगे कश्मीरी कश्मीरी लेके ले सुबह 4 बजे चलो इधर। तुम्हारा कहाँ मिला फोन? गाड़ी में आगे तो मेरा नाम लगा रहे थे ना, अब इनका भी ढूंढो, दोनों एक ही जैसे हो, दोनों एक जैसे है, ये फोन से करिए पक्के वाले एक जैसे है। पुलिस को बुलाओ, मैं तो तेरे को अंदर कराऊंगा, मेरे को कराओ, ये भी एक जैसी है, ये भी एक जैसी है। अब उनके पास है, अब उनके पास है तो भाई इनका ढूंढ के दिया, इनका ढूंढ के भाई पार्किंग एक घंटे के लिए है, उसके बाद भगा देंगे, एक घंटे को छोड़ यार, तू मेरा फोन घुमा दिया। इनका ढूंढ के दिया मीता दीदी ने फ्रंट सीट से, और अब ये मेरे पीछे पड़ गए कि मेरा भी तेरे ही पास है, हद है यार। मैं बैठने जा रहा हूँ भैया, हमें दिल है ना मीता तो दी 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 दी। आप तो मानो अंकित भी तो मेरे पे नाम लगा रहा था, मिला ना आगे वाली सीट के नीचे। भैया आपकी है ना पैंटों की जेब में मिलेगी। अमन भैया पहले पॉकेट चेक करो, मेरे पास तो है ही नहीं। जैकेट की करो, अरे नहीं जैकेट तो मैंने पहने ही नहीं। आपने कड़ा भी गिराया था ना अपना गोल्ड का, गिरा था मेरे साथ गाड़ी के अंदर, फोन गायब। कौन से वाला नंबर चल रहा है आपका? नंबर बंद पड़ा फोन, डबल एट वाला आपने गिराया है। फिर आप जब पार्किंग में कहीं उतरे हो ना, तेरे पूरे तो बात करी उससे, अभी वो च्युइंगम आपकी जेब से गिरी, आप बोल रहे हो मेरी नहीं गिरी। स्विच ऑफ हो गया फोन यार, मजाक नहीं है, और मैं स्विच ऑफ भी कर दूंगी फोन लेके, कैसी बातें कर रहे हो अमन भैया। अंकित तुम अपना नाम भी लगा रहे थे, तुम्हारा सीट के नीचे मिला, मेरे को गुस्सा मत दिलाओ, मार दे मुक्का एक, मिल गया चल पैरी बेटा दे दे इनका फोन। Let's succeed. ओ कुत्ता भी खुश हो गया, डॉगी भी खुश, मेरा और पैरी का। हाँ मतलब मजा आया, मजा नहीं आया जब मैंने बोला सारी रात तेरी थाने में कटाऊंगा तो तेरी आवाज सरक गई। लेकिन ये पर्सनल मैटर था, वो हमारे हमने हैंडल कर लिया, हम भी बहन भाई हैं, हमने हैंडल कर लिया। देखा आ गई प्रीति दीदी, आ गई प्रीति दीदी, एक मिनट इन्होंने हैंडल किया, इनके घर का भेदी लंका डाइस ने किया है, वो तो मेरे साथ है अभी तो जी, जो मेरा मन था इनको आधे घंटा रुलाने का, ये पागलों की तरह शुरू हो गए थे ये क्या, वो भी तेरा भी शुरू हो गया था, वो भी तेरे साथ नहीं, उसका मैंने जानबूझ के आगे फेंक दिया, एक पे तो कॉन्फिडेंस रखूं। वाह पेरी हम वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, क्या क्या डर गया, बोल भी नहीं सकता तेरा कुछ नहीं हो जाएगा, हो जाएगा रात को। ओ भाई मैं कैमरे नहीं बोल सकता, ऑफ कैमरा बोल, नहीं नहीं पता चला गार्डन में सो रहा है, चलो ऑफ कैमरा ही बोल, मैं कैमरा ऑन कर लूंगी तुम ऑफ कैमरा बोलो, इसको गोदी लूंगी, वहां पे पानी है बाहर उतार देना। भाई साहब पैरी मस्त था यार हमारा प्लान, हमने कर लिया और हम पे शक ना हो, मेरे हाथ में अंकित का भी था, हम आगे वाली सीट पे बैठ गए। अरे वो एक नंबर की अक्षर है मुझे। तो भाई कितने मजे से एंजॉय कर रहे हैं सीरत और अंकित, अंकित ने बिठाया हुआ है सीरत को अपने ऊपर, काश भगवान ऐसा कोई मुझे उठाने वाले बना देता, तेनू जो उठाएगा वो खुद ही उठ जाएगा। क्या बोलूं स्पीचलेस। अमन भैया, अमन भैया थक गए, अमन भैया को उठाओ, हाँ तू उठा ले आ जा। <अम्नी नहीं उठना। laughs>